I'm at board meeting in the U.S. We are very hopeful that the board will approve the 37-month, $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की आज मंजूरी का इम्कान. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF बोर्ड 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी देगा. पॉलिसी रेट कम और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है. हुकूमती इकदाम से महंगाई और शरह सूद में कमी आई है. पाकिस्तान में सी पैक के फेज 2 का आगाज होने जा रहा है. मौशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई. निजी शोबा मुल्की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है. बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी. शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का, UAE का, कि उनके भरपूर तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं था. IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी. माहदे पर चीन, सऊदी अरब और मुतहदा अरब इमारात ने अहम किरदार अदा किया. वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू. कहा इज्तिमाई कोशिश और इदारों के भरपूर तावन से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया. मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है. रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात सूदमंद रही. तुर्क सदर की अक्वामे मुतहदा में फलस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी. सदर तैयब अर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे. वजीर आजम शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात. तिजारत सयाहत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल. इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों पर 7वां इजलास. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक और गुज़श्ता रोज होने वाला 6ठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ. इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी. ज़राए के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया मखसूस नशस्तों की फहरिस्त ना देने पर PTI इसकी अहल नहीं है. इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाजे में बुनियादी शवाहिद होते हैं. दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है. सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद में धांधली के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया. कहा इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता. जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तसव्वुर किया जाता है. आईनी तरमीम करके अब सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म किया जा रहा है. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तब्दीली पर फौरी फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को बैठना चाहिए, रद्दअमल देना चाहिए. फवाद चौधरी कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की राय आ चुकी है, उन्होंने इसे मुदाखलत करार दिया. जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस ने जो इस वक्त मौकिफ अपनाया दुरुस्त साबित हुआ. अजीब बात है, हुकूमत के खिलाफ मुकदमे हैं और हुकूमत ही बेंच बनाएगी. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम, PCO है, आज नहीं तो कल जजेस बुकला खड़े होंगे. थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा जरताज गुल की अबूरी जमानत मंजूर. इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 30,000 मुचलकों के इवज 1 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर की गई. अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया. FBR का 1 अक्टूबर से नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला. बेनामी और जाली नावों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा. थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा. FBR का कहना है सेल्स टैक्स के सिर्फ 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड हैं. 1 अक्टूबर के बाद 30 लाख दुकानदारों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया जाएगा. पाकिस्तान में मौशी नज्म व ज़ब्त की वजह से मईशत बेहतर हुई. महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह पर है और मजीद नीचे जाएगी. एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी.
रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शराह नमू 2.8% और महंगाई की शराह 15% तक रहने का इम्कान है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, केस से अलग होने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने आमिर खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, क्या आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए, क्या आप इदारों के दरमियान तसादम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाजा है। चीफ जस्टिस बोले, आईन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता, आईन में वाजे है, ट्रिब्यूनल तशकील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद करते। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशियल एकेडमी से खिताब, कहा जजों की तादाद सिर्फ 4,000 है, जेरे इल्तवा मुकदमे हर रोज बढ़ रहे हैं। जिला अदलिया के जज बाहमी रवाबित मुजाकरे को फरोग दें ताकि कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं, जेरे इल्तवा और बढ़ती कानूनी चारजोई से निपटने के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, जजों को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रवाबे तहम जरूर हैं लेकिन जजों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार कहे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर तश्वीश है। बाइडन ने अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदादी दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉन कर्बी से भारतीय एजेंट के अमरीका में सिख रहनुमा के कातिलाना साजिश पर सवाल। कर्बी ने कहा, दोस्ती के बावजूद भारत के साथ हमेशा अपने खदशात का इजहार किया। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एक इस्तेहकाम खुशहाल और अमन पूर्ण पाकिस्तान होना चाहिए। हम जो भी हुकूमत पाकिस्तानी लोग खुद पसंद करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का की तलुकात जो है वो बेहतर देखना चाहते हैं। खुशहाल मुस्तहकम और पुरअम पाकिस्तान अमरीका के अपने मफाद में है। उर्दू तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मार्गरेट मैकलोट की एआईवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी आवाम कई दहाइयों से दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हम बेहतर पाक भारत ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी का फरोग चाहता है जिसके लिए मुस्तहकम इक्तसादी सूरत हाल का होना जरूरी है। IMF की असलाहत पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद। £190 मिलियन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समात आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाद तफ्तीशी अफसर पर जरह ना हो सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है मगर जरह नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोका, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल करें। और कराची से तजावजात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की मुलाकात। सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अस्पतालों के तरफ तजावजात फौरी खत्म किए जाएं, KMC बसों का निज़ाम बेहतर और पेंशन का मसला हल करेंगे। मेयर कराची ने कहा कि कराची से तजावजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। वजीर आला ने बारिश से मुतासर सड़कों के लिए 1.5 अरब की मंजूरी दी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आग का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे।